जानते हैं इंदौर मेट्रो ट्रेन के बारे में, लेकिन सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम जानते हैं इंदौर मेट्रो के बारे में। 2023 तक मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी है सरकार। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट। इंदौर शहर में जल्द मेट्रो शुरू हो जाएंगी और इंदौर वासी मेट्रो में सफ़र करने का लुत्फ उठा सकेंगे। दरअसल शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा है कि अगले साल यानी 2023 के सितंबर महीने में 6 किलोमीटर लंबी सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो रेल चलना शुरू हो जाएंगी। ये इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का पहला फेज है। 7 मेट्रो स्टेशनों का निर्माण भी चल रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर में वाइडक 5.29 किलोमीटर लंबाई का निर्माण कार्य प्रगति पर है। करीब 52.22% काम पूरा हो चुका है। इस खंड में 7 मेट्रो स्टेशनों का निर्माण भी चल रहा है और आगे लगभग 17.50% काम पूरा हो चुका है। कॉरिडोर के बीच हुए हिस्से यानी 10.9 किलोमीटर का निर्माण कार्य चल रहा है। अक्टूबर में LO जारी होने की उम्मीद। उन्होंने कहा है कि फरवरी में विभिन्न ट्रैक मटेरियल की सप्लाई के लिए 3 पैकेज और अप्रैल में ट्रैक इंस्टॉलेशन के लिए 1 पैकेज के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे। टेक्निकल बिड जुलाई में खुली गई, जबकि स्वीकृति पत्र अक्टूबर में माध्यम तक जारी होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि कॉरिडोर के लिए लिफ्ट और कलेक्टर पैकेज के लिए टेंडर मूल्यांकन प्रगति पर है और अक्टूबर में LO जारी होने की उम्मीद है। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन के लिए बिड नंबर भी खोली गई थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताना।